वेलकम टू दर्श क्लासेस। कल तक हमने मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के अंदर उनका मूल्यांकन पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे की चीजें देखेंगे। तो अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लिखा हुआ आ जाता है, समकालीन विमर्शों के आलोक में प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करें, तो समकालीन जो उनके काल के अंदर घटनाएं घट रही थी उनको उन्होंने कितना छुआ है या किस किस टॉपिक को उन्होंने कवर करा है उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे कि समकालीन विमर्श के अंदर एक तो स्त्री विमर्श जो इम्पोर्टेंट था, उसके बाद में दलित विमर्श, और फिर उसके बाद में आदिवासी विमर्श, समलैंगिक विमर्श या विकलांग विमर्श। अब जैसे देखा जाए कि समलैंगिक विमर्श आज भी उतना प्रखर नहीं हो पाया है, तो उस समय 1930 के दौर के अंदर तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी। अगर मुंशी प्रेमचंद जी से आप बात करते हैं कि समलैंगिक के बारे में लिखी है तो हो सकता है आपके पीछे डंडा लेके पीछे भागते, बोले ये क्या मूर्खता बने की बातें कर रहा हो। दिव्यांग जो है विमर्श की बात उस समय नहीं दिमाग में आई होगी, क्योंकि हर आदमी चाहे कितने से कितना ही महान आदमी हो वो अपने जो काल की बाधाओं से तो घिरा ही रहता है, अपने काल से आगे जाके कैसे सोच सकता है। तो उस समय जो विकलांग विमर्श था वो भी इतना ज्यादा वो नहीं था। उसके बाद में आदिवासियों का जो विमर्श है वो मुंशी प्रेमचंद जी के सामने नहीं आया था। तो जो सबसे प्रख्यात उनके जो विमर्श है, दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, इनके बारे में हम दो चार लाइनें सोच के और एक आंसर फ्रेम करने के प्रयास करते हैं, ताकि अगर किसी तरीके से किसी भी रूप में अगर आपके पास दलित विमर्श के अंदर या फिर स्त्री विमर्श के अंदर कुछ पॉइंट लिखने पड़े तो आप उसको लिख सको और क्वेश्चन को हैंडल कर सके। अब दलित विमर्श की बात करेंगे तो दलित विमर्श के अंदर सैम्पलिंग कर लेंगे हम, क्योंकि जो कोई भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर प्रस्तावना, फिर मेन बॉडी और फिर निष्कर्ष, इस रूप में हम कोई भी फ्रेम मतलब कोई भी क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट होने चाहिए सबसे पहले, कि जो बॉडी के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे या निष्कर्ष के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे या प्रस्तावना के अंदर या फिर जो भूमिका होती है उसके अंदर कौन से पॉइंट आएंगे। कई बार कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि 8-10 भूमिकाएं अच्छी तरह याद कर लेते हैं और उनके अंदर सिर्फ नाम बदल के और अपना आंसर फ्रेम कर लेते हैं, या कुछ बच्चे निष्कर्ष 8-10 याद कर लेते हैं अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, और फिर जैसे कोई आता है तो उसके अंदर नाम बदल के और वो काम चला लेते हैं और इतना शानदार निष्कर्ष लिखते हैं, इतनी शानदार भूमिका लिखते हैं कि बस पूछो मत, कि एग्जामिनर भी दंग रह जाता है। और सबसे मेन चीज़ यही होती है, अगर आपकी प्रस्तावना बहुत शानदार है और आपका निष्कर्ष बहुत शानदार है तो आपने सुना ही होगा अंत भला तो सब भला, या शुरुआत में अगर चौके छक्के मार दिए तो बीच की इनिंग थोड़े लोग बाग भूल जाते हैं। तो मैं तो राय दूंगा कि आप जो है 8-10 भूमिकाएं और 8-10 जो है निष्कर्ष इतने अच्छी तरह याद कर लें कि बस नाम बदल के आपका सारा काम चल जाए। अब सैंपलिंग करेंगे हम क्वेश्चन की, तो सैंपलिंग के अंदर आप किस किस का जिक्र कर सकते हैं। जैसे भूमिका के अंदर तो आप सदगति, जो दलित विमर्श की बात करेंगे अपन सबसे पहले, तो दलित विमर्श के अंदर आप सदगति बता सकते हैं, गुल्ली डंडा बता सकते हैं, कफन बता सकते हैं और दूध का दाम बता सकते हैं। अब कफन के अंदर आपने देखा होगा कफन इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कफन है ख, ये आपने ऐसे शब्द देखे होंगे क ख या ज देखा होगा, इस तरीके के आपने कुछ शब्द देखे होंगे। तो ये क्या है, सबसे पहली चीज तो ये कि इनकी जो शुरुआत है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करी थी। ये हमसे किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा कि आप सबको बता दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है क ख ग ज। अब कई लोग जो है कंफ्यूज होते होंगे कि कई बार फोन जो फोन की स्पेलिंग लिखते हैं पी एस से लिखते हैं, या कई मतलब कई ऐसे शब्द हैं जिसको ख के अंदर जो है फोन, जैसे फोन के बारे में लिखना है फ, इसको इस तरीके से लिखते हैं फ, तो कई बार फोन ऐसे ही लिखते हैं और कुछ फ ऐसे लिखा जाता है। तो जो फ लिखा जाता है वो ये वाला है, यानी कि जो नुक्ते वाला जो है इसको नुक्ता बोलते हैं, तो जो फ लिखा जाता है वो ये है और जो फ लिखा जाता है वो ये है। इनके बीच में उच्चारण करना थोड़ा हार्ड रहता है, तो इस तरीके से जैसे जहर आप अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा जहर, मतलब जहर जो पीने वाला होता है, और ये होता है जहर, हरियाणा में बोलते हैं जहर है जहर, तो वो ये वाला जहर है, और जो जहर बोला जाता है वो ये है। तो जो फारसी भाषा के अंदर सारे शब्दों को मिला दिया जाए इस तरीके से, फारसी शब्दों के अंदर जो सारे शब्दों को मिला दिया जाए तो इस तरीके से कुछ बनता है। तो इसकी जो रचना है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करी थी,
जब हम भाषा का इतिहास या भाषा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह देखेंगे, अभी यहाँ इतना समझना काफी है। जो क्लासिफिकेशन है, अब देखो जैसे मैंने आपको बता दिया, चार कहानियों के बारे में बता दिया और उसके बारे में समझा दिया, तो यहाँ पर ये तो 2-10 लाइनों के अंदर ही पूरा आंसर हो जाएगा। अब हमें 300 शब्द लिखने हैं या फिर मान लीजिए 200 शब्द लिखने हैं, तो हमें थोड़ा बहुत उसका क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम चीजें देखेंगे, जैसे गुल्ली डंडा है। अब गुल्ली डंडा के अंदर क्या है कि जो है दलित व्यक्ति को सिर्फ जिक्र आया है, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ दलित व्यक्ति का जिक्र आया है। मतलब इसके बारे में दलित होने के कारण उसने कुछ सहा है या उसकी कुछ दिक्कतें आई हों उसको दलित होने की वजह से, ऐसा कहीं पर भी कहानी में नहीं दिखाया गया है, सिर्फ दलित दिखाया गया है। दूध के दाम के अंदर अगर देखा जाए तो मंगल का जो कष्ट है वो उसके मतलब दलित होने की वजह से नहीं है, उसके अलग कारण है। सदगति के अंदर भी अगर देखा जाए तो दलित होने का ज्यादा कष्ट उसके अंदर मतलब इतना दिखाया है कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा कष्ट है वो थोड़ा थोड़ा दिखाया है, बहुत ज्यादा कष्ट है या कम कष्ट है उसका थोड़ा राह पे चले, जैसे कि इसमें बिल्कुल दलित होने का सिर्फ एक इशारा है और दलित होने की वजह से उसको कष्ट नहीं हो रहा। इसके अंदर भी सिर्फ ज्यादा कष्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट सदगति के अंदर दिखाया है। और प्रेमचंद का आरोप है कि उन्होंने दलितों का मजाक उड़ाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे देखा जाए कि दलितों का मजाक उड़ाने का मतलब ये हो गया कि पूरा ही उनके बारे में कटाक्ष कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि जिससे दलितों का मजाक उड़े, लेकिन उनकी पूरी रचना को जैसे कफन पढ़ते हुए आप देखेंगे कि कफन पढ़ते हुए ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि वो किसी दलित का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी कवि या किसी भी लेखक या किसी भी कहानीकार के बारे में आपसे पूछा जाता है तो एक तरीके से आप उसके वकील हैं, आपको उसके बारे में अच्छा बोलना है, आपको उसको खराब नहीं दिखाना है। तो आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, तो आप जबरदस्ती में उनका क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, आप उनके वकील हैं, आप उनकी तारीफ करेंगे और लास्ट के अंदर इतना ऐसा कंक्लूजन देंगे कि बस ऐसा लगे एग्जामिनर को कि हाँ यार इसने अच्छी तरह डिफेंड कर दिया। अब इसके बारे में 5-6 शब्द लिख लेते हैं अपन, जैसे कि अगर जो है 125 से 250 के 150 के अंदर आपको कोई आंसर फ्रेम करना है तो उसके बारे में हम थोड़े शब्द लिख लेते हैं ताकि आपको एक बना बनाया आंसर मिल जाए और आप आराम से लिख सकें। तो शुरुआत कैसे करेंगे, प्रेमचंद जिस दौर के कहानियां लिख रहे थे उसी समय डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के मानवाधिकारों पर प्रश्न प्रचंड स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के समक्ष उठा रहे थे। अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विमर्श के बारे में लिखेगा तो पहले उसको पता होना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। अब जैसे मान लीजिए आदिवासियों का विमर्श इसमें नहीं दिख रहा, तो उस समय आदिवासी कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं और वो कभी मतलब मेन स्ट्रीम में आए नहीं थे। अब जैसे अंबेडकर जी जो थे वो दलितों के बारे में खूब चर्चाएं कर रहे थे और दलितों का जो दिक्कतें हैं वो उनको सामने ला रहे थे सबके बीच में, और जो अंबेडकर जी थे उस समय इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि वो सबकी नजरों में आ गए थे। अब जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो रह गए सामाजिक आदमी, तो दलितों के बारे में जब इतना विमर्श उठ रहा है तो उन्होंने भी उसके बारे में कुछ लिखा। अब मान लीजिए आदिवासी उस समय मतलब आदिवासियों का कोई भी ऐसा धड़ा सामने नहीं आया था या कोई व्यक्ति इतना प्रबल रूप से सामने नहीं आया था तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है उनकी उनके ऊपर ध्यान नहीं गया होगा। तो जो है अम्बेडकर जी उस समय बहुत प्रखंड रूप से सामने आ चुके थे और उन्होंने दलितों को दलित विमर्श को बहुत अच्छा उठाया था, तो उसको देख के जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने भी दलितों का बारे में कहानियां लिखी। समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दलित वर्ग भी है, ये बात पहली बार भारतीय समाज में स्थापित हो रही थी। मतलब कि उससे पहले दलितों के जो शोषण हो रहा था या जो भी चीजें उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनको एक एक्सेप्टेबल मान लिया था सबने कि हाँ ये तो पुरखों से चलता हुआ आ रहा है, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है तो ये तो कॉमन है, ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार उनकी समस्याओं को सामने लाया था अंबेडकर जी ने और प्रखर रूप से जो है बताया था कि बोले समाज के अंदर एक धड़ा ऐसा भी है जो कि दलित वर्ग का है। ऐसे में स्वाभाविक है कि प्रेमचंद जैसा लेखक जो सामाजिक यथार्थ को रचनाओं का कथ्य बनाने में रुचि रखता है इस महत्वपूर्ण बिंदु में तटस्थ नहीं रह सकता था। अब इतना कुछ हो रहा था समाज के अंदर, दलित वर्ग की चेतना इतनी जागृत हो रही थी, तो मुंशी प्रेमचंद जी उसके ऊपर क्यों ना लिखते, तो उन्होंने भी इसके बारे में लिखा। प्रेमचंद की कई कहानियों में दलित समाज के दिखाई पड़ते हैं, जैसे गुल्ली डंडा, सदगति, ठाकुर और कुआं, कफन, इन सभी कहानियों में दलित समाज के प्रति उनका चिंतन अलग अलग तेवर के साथ उपस्थित है।
गुल्ली डंडा जैसी कुछ कहानियों में प्रेमचंद ने दलित चरित्र को कहानी का प्रमुख हिस्सा बनाया है, किंतु उसके दलित होने और उसके शोषण झेलने का विस्तृत अंकन नहीं किया है। किंतु कहानी पढ़कर यह समझ आ जाता है कि मैं की तुलना में गया के पिछड़ जाने के पीछे दलित होना भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसके अंदर इतना खुल के जो है दलितों के बारे में बताया नहीं गया है, बस ये हिंट दिया गया है कि हो सकता है कि जो गया है वो इतना पीछे रह गया है, वो उसका कारण है कि उसका दलित होना भी रह सकता है, क्योंकि दलितों को शिक्षा के इतने अवसर नहीं मिलते थे उस समय, और दलितों को आगे बढ़ने के इतने अच्छे मौके नहीं मिलते थे। जो अगर माना जाए, जैसे कि 3,000 साल तक अगर माना जाए, तो दलितों का यह आर्ग्यूमेंट है कि 3,000 साल तक सिर्फ पुरोहित वर्ग या फिर जो है ब्राह्मण वर्ग का ही 100% आरक्षण रहा है सिर्फ शिक्षा के अंदर, इसीलिए उनको सबसे ऊंचे पदों पे नियुक्ति मिलती रही है, वो सबसे ऊंचे रहे, इसीलिए जो है दलितों को कभी ऊपर बढ़ने का मौका नहीं मिला। दूध का दाम जैसी कहानियों में प्रेमचंद की दलित संवेदना बहुत प्रखर होकर उभरी है। इसमें वह स्पष्ट करते हैं कि कैसे एक दलित बच्चे मंगल से उसकी माँ यानी भुंगी का दूध छीनकर मालिक के बेटे सुरेश को उपलब्ध कराया है, और इस एहसान के बावजूद मंगल को अमानवीय जीवन स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह साफ दिखता है कि यदि मंगल दलित समाज का ना होता तो उसकी यह दुर्दशा नहीं होती। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद जी ने एक इशारा मात्र करा है, जिसके अंदर ये प्रखर रूप से बताया नहीं है कि सिर्फ मंगल इसीलिए दयनीय स्थिति में है कि वो दलित वर्ग से है। सदगति और नमक का दरोगा जैसी कहानियों में प्रेमचंद की दलित चेतना ज्यादा मुखर होकर उभरी है। सदगति में उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार के दुखी चमार का शोषण किया, जिससे उसकी मृत्यु तक हो गई। दुखी की मृत्यु के बावजूद ब्राह्मण परिवार का उसके प्रति संवेदनहीन बने रहना पाठक के भीतर तनाव पैदा करता है। महत्वपूर्ण तो बात यह है कि प्रेमचंद ने उस समय की उभरती हुई दलित चेतना दिखाई है, जो गोदान सिलिया के परिवार के माध्यम से दिखती है। सदगति की कुछ पंक्तियाँ, जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि इधर चमाड़े में ऐलान हो गया है कि कोई भी जो है दुखी दुखी की लाश नहीं उठाएगा। एक इंसान को मारा है, ब्राह्मण होंगे, अपने घर पे होंगे, कोई इंसान की मौत एक मजाक है क्या? इस तरीके की लाइन आप कोट कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा जो है उदाहरण चिन्हों के अंदर उनको थोड़े से 2-3 पंक्ति शुरू की और क्रॉस लगा के आप लास्ट की पंक्ति लिख सकते हैं, जिससे उसका मर्म प्रकट हो जाए। तो पहली बार यहाँ पे दिखाया गया है कि जो दलित समाज की जो चेतना है वो प्रखर रूप होके सामने आ रही है, मतलब एक जो है उनकी आवाज़ बुलंद आवाज में उठ रही है। कफन जैसी कहानियों को लेकर प्रेमचंद पर आरोप लगाया जाता है कि दलितों के हमदर्द नहीं थे बल्कि उनका मजाक बनाते थे। रंगभूमि उपन्यास पर भी ऐसा ही आक्षेप है। कफन में घिसू और माधव के बुधिया के प्रति जितना संवेदनहीन और अमानवीय दिखाया गया है, उसे लगता है कि प्रेमचंद दलित समाज पर आरोप लगा रहे थे, किंतु ये आरोप विश्वसनीय नहीं है। प्रेमचंद तो ये दिखाना चाहते थे कि घिसू और माधव जैसे गरीब और दलित व्यक्ति जिंदगी की मुश्किलों से लेकर कैसे संवेदनहीन हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि आदमी अगर कोई अभाव में हो, जैसे कि मान लीजिए कोई 10 दिन से खाना नहीं खाया है, तो उसके लिए दूसरे का व्यवहार इम्पोर्टेंट नहीं होगा, सबसे पहले खाना इम्पोर्टेंट होगा। या मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े अभाव से गुजरा है और एकदम से उसके सामने वो चीज़ आ जाएगी, तो वो बिल्कुल संवेदनहीन हो जाएगा उस वस्तु को लेके। वो भूल जाएगा कि एक बार क्या है क्या नहीं है, या मैं किस जगह बैठा हूँ, किस समाज में बैठा हूँ, उसको सिर्फ अपनी ज़रूरतें ही दिखेंगी। अंत यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने अपने समय के परिप्रेक्ष्य में दलित विमर्श को ठोस आधार पर प्रदान किया है। यदि आज हिंदी साहित्य में दलित विमर्श और यहाँ पे दो नाम जो है मैं अभी बता दूंगा वो लिखना है, जैसे लेखकों के माध्यम से गहरे स्तर पर पहुँचा है, तो इस यात्रा के मूल में प्रेमचंद की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन दो नामों के अंदर अभी आप देख सकते हैं। अब इसी के माध्यम से अगर स्त्री विमर्श की बात हो, स्त्री विमर्श की बात हो, तो उसके अंदर भी यही पेटेंट काम में आएगा। बस यहाँ पे जो है दलित की जो कहानियाँ थी उनका नाम हटा के जो स्त्री विमर्श की जो कहानियाँ हैं उनका नाम लगा देंगे, और यहाँ पर जो है स्त्रियों के बारे में कुछ अच्छी बातें लिख देंगे ताकि ये आंसर फ्रेम हो जाए।
मेन काम जो है हमारा वो ये है कि आंसरों को याद नहीं करना, हमें बनाना सीखना है। जितना हम बनाना सीखेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अगर हम आंसरों को याद करेंगे तो एक दो आंसरों के बाद में जो है चीज़ें मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी जो है सिलेबस बिल्कुल शुरुआती दौर के अंदर है, तो हम दो चार आंसर याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक याद नहीं होगा। और बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है, जैसे कहानियों में, समीक्षाओं में या किसी भी चीज़ के अंदर देखेंगे, हम सब में एक जैसा पैटर्न चल रहा है, तो हम अगर उनको याद करने के बजाय समझ लेंगे तो फिर हमारी जो है आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री विमर्श के बारे में देखेंगे तो सैम्पलिंग के अंदर जैसे हम देख सकते हैं गीला, बूढ़ी काकी, रानी सारंदा, बड़े घर की बेटी, नया विवाह, कफन, अलग योजना। अब हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो स्त्री विमर्श को टच करती हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि जो है गीला वो स्त्री विमर्श को बिल्कुल ठोस रूप में टच करती है, नया विवाह ये भी एक स्त्री विमर्श की कहानी हो सकती है, कफन इतनी ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर सकती, लेकिन आप कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ भाई उसकी पत्नी जो उसके बारे में बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, जो दोनों बाप बेटे हैं, तो उसके अंदर महिलाओं को कितना कष्ट भोगना पड़ता है इसके बारे में आप कह सकते हैं। अलग योजना के अंदर भी थोड़ी है, बड़े घर की बेटी के अंदर इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगता है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि भाई खड़ा हुआ आके तो बहू पे लगा था, तो नारियों का आत्मसम्मान की बात भी हो गई। रानी सारंदा डायरेक्ट रूप में अगर आप देखें तो स्त्री विमर्श की नहीं लगेगी आपको, लेकिन एक महिला का मान सम्मान उसके रूप में देखें तो आपको थोड़ी बहुत कोरिलेट होती हुई नज़र आएगी। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो क्लासिफिकेशन के अंदर मेन बॉडी के अंदर जो है आदर्श और गरिमा की बात करें तो रानी सारंदा, बड़े घर की बेटी, इसके बारे में हम थोड़ा बता सकते हैं। और स्त्रियों की समस्या की अगर बात करें तो नया विवाह, गीला, अलग योजना, इसके अंदर हम खुल के उनके समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं। अन्य समस्याएं में बूढ़ी काकी, हाँ ये कह सकते हैं कि बूढ़ी काकी की जगह अगर बूढ़ा काका होता तो उसकी ऐसी दुर्दशा ना होती, क्योंकि बाप तो बाप होता है और बाप जो है अपना बाप तत्व जो है थोड़ी थोड़ी देर में दिखाता रहता है या एक आध दो दिन में ऐसे दिखाता रहता है, तो बूढ़े काका की इतनी दुर्दशा नहीं होती जितनी बूढ़ी काकी की हुई है, तो इस रूप में भी आप उसको बता सकते हैं। अगर निष्कर्ष के बारे में लिखे तो आप कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने एक मुहिम चालू करी थी जिसको आगे बढ़ने के बाद में जो है कुछ नई स्त्रियों के बारे में लिखना स्टार्ट करा, जिनको प्रेरणा मिली। जैसे कि अगर आप बताएं कि मुंशी प्रेमचंद अगर ये स्त्री विमर्श को चालू ना करते या इस मुकाम पे नहीं लाते तो कृष्ण सोबती उसे और आगे नहीं बढ़ा पाती। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई सीढ़ी बन रही है और कोई 5 सीढ़ियाँ बना गया, तो ये 5 सीढ़ियाँ तो आगे वाले के लिए सहायक होगी ना 6ठी सीढ़ी बनाने के लिए, तो उसके लिए फ़ायदे की बात होगी। अब मान लीजिए अगर कोई अगला आदमी आता तो उसको ये 5 सीढ़ियाँ दोबारा बनानी पड़ती, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था मुंशी प्रेमचंद जी ने कि आगे आने वाले जो लेखक हैं वो उसको आगे बढ़ा सकें। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि कृष्णा सोबती, प्रमा खेतान और मैत्रेयी पुष्पा जो है, प्रभा खेतान और मैत्रेयी पुष्पा जो हैं उन्होंने वर्तमान के स्त्री विमर्श के लेख को और आगे बढ़ाया, जिसकी जो है जमीन मुंशी प्रेमचंद जी ने तैयार करी थी। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर जो है फ्रेम कर सकते हैं अगर आपके सामने आ जाए, जैसे स्त्री विमर्श और इसका तो मैंने करवा दिया है, और उसके आगे भी आप दो तीन आंसर फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं। अब उत्तर प्रेमचंद युग की बात करेंगे। उत्तर प्रेमचंद युग के अंदर जो है मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दो धड़े हैं, जो प्रगतिवादी हैं और एक मनोविश्लेषणवादी हैं। तो 1936 के अंदर जो है मुंशी प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उनके स्वर्गवास के बाद भी उनकी जो है लेखन शैली है वो आगे भी चलती रही। तो वो किस रूप में चलती रही उसको हम समझेंगे। प्रगतिवादी जो है मुंशी प्रेमचंद जी जो थे प्रगतिवादी कवि थे। प्रगतिवादी का मैंने सीधा सा मतलब बताया था कि जो मार्क्सवादी है वो प्रगतिवादी माना जाएगा। अब उसके आगे जो चले जैसे यशपाल हैं, उनके सबसे प्रमुख माने जाते हैं यशपाल को, उनका दिव्या जो है हमारे सिलेबस में भी है उसको हम पढ़ेंगे, झूठा सच जो है उनका एक ग्रंथ जैसा एक उपन्यास है वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत शानदार है वो भी। नागार्जुन जो है इस धड़े के अंदर आगे चलेंगे, और रांगे माधव भी एक है राघो जो इस प्रगतिवादी कवि के अंदर ही प्रमुख स्थान के ऊपर हैं। दूसरे होते हैं मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवादी जो हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं और आज्ञा हैं। अब ये जो हैं ये हैं मनोविश्लेषणवादी।
अब मैंने आपको बताया था कि जिसका पेट भरा होता है वो लिखता है ज्ञान की बातें, दर्शन की बातें, आत्मा है कि नहीं है, मेरा जन्म क्यों हुआ, भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो स्त्री है या पुरुष है, एक लिंगी है बहुलिंगी है या कैसे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, मतलब इस तरीके के सवाल उनके मन में कौन थे हैं। जबकि प्रगतिवादी जो हैं ये मानते हैं कि बोले आदमी का सबसे पहले दलितों का विमर्श होना चाहिए, या जिसके पेट नहीं भरा हो उसके पेट भरने की बात होनी चाहिए, जिसका शोषण हो रहा हो उसके शोषण के कम होने की बात होनी चाहिए, इस तरीके से। तो प्रगतिवादी का सीधा सा मतलब है मार्क्सवादी। मार्क्स के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बता दिया था, आज हम थोड़ा और देख लेते हैं ताकि और भी पिक्चर जो है थोड़ी क्लियर हो जाए। मार्क्सवाद और मार्क्सवादी कहानियाँ। मार्क्सवाद अगर देखा जाए तो भगवानों की अगर गिनती छोड़ दे, जैसे ईसा मसीह है या फिर बुद्ध हैं या फिर कोई भगवान है, उनकी अगर कोई गिनती छोड़ दी जाए तो उन सब के बाद में अगर कोई सबसे फेमस आदमी है तो वो है मार्क्स। इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया के दो धड़े कर दिए थे। अब ये मान लीजिए अमेरिका को पूरे 70 साल लग गए इसको खारिज करने के अंदर, और इन 70 सालों के अंदर अमेरिका के अंदर मार्क्सवाद पूरा अच्छी तरह घुल मिल गया था। मान लीजिए कि 1950 के अंदर जो अमेरिका पूंजीवादी के नारे लगा रहा था उसने अपने समाज को इतनी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी दे दी थी कि वहाँ पर जो है सभी बच्चों को, चाहे वो नागरिक हो चाहे नहीं हो, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, और वहाँ के नागरिकों के लिए ऐसी स्कीमें जो वृद्धावस्था की पेंशन है या बहुत सारी स्कीमें जो है वो चला दी थी। तो एक तरीके से मार्क्सवाद का अच्छा खासा इंजेक्शन उनके ऊपर लग चुका था। पूंजीवादी का वो भले ही समर्थन करते रहे हो लेकिन मार्क्सवाद का अच्छी तरह उनके ऊपर प्रभाव आ चुका था। मार्क्सवाद और ये जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक के अंदर देखा जाए तो तीन चीज़ें, तीन जो है शख्स हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मार्क्सवाद को देख लेते हैं। मार्क्सवाद के अंदर अगर मार्क्सवाद को देखा जाए तो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। 1818 से 1883 तक उनका काल रहा है। तो कुछ दिनों बाद में उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया था और उन्होंने इंग्लैंड के अंदर अपने शिक्षा और सिद्धांत सारे वहीं पर प्रतिपादित किए हैं। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो इसका मतलब आपके सामने मार्क्स की ही बात हो रही है, इतना समझ लेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिकवाद का सीधा सा मतलब है कि जो है जगत है, मतलब प्रकृति है जो भी है, और बाकी और कुछ भी नहीं है, धर्म भगवान कुछ भी नहीं है, सब कुछ भौतिक है। अब ये जो मार्क्सवादी हैं ये शोषण के खिलाफ लिखते थे हमेशा कि दलितों के साथ या वंचित वर्गों के साथ कैसे गलत हो रहा है उनके बारे में लिखते थे। तो ये हमेशा शोषक शोषित के बारे में लिखते थे, जैसे मैंने आपको उस दिन में बताया था हैव और हैव नॉट्स। तो हर समाज के अंदर हैव होंगे और हर समाज के अंदर हैव नॉट्स होंगे। जैसे कि आज आज के समय में के अंदर देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर या कंपनी या कंप्यूटर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं या जो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां अब हो गई हैं हैव। जैसे कि गूगल है, गूगल अपने आप में दुनिया भर की संपत्ति समेटे हुए है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब ये मान लीजिए कि ये आज के दौर के हैव है। और जो वंचित वर्ग है, जो दलित है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो हो गए हैव नॉट्स। अब ये क्या है कि जो मार्क्स है वही हमेशा जो शोषण और शोषित के बीच का द्वंद्व हमेशा दिखाता है, और यह चाहता है कि शोषण और हिंसा क्रांति की हिंसा क्रांति हो और जो शोषण है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब सारे शोषितों को एक साथ हो जाना चाहिए और एक हिंसा क्रांति हो जानी चाहिए और हिंसा क्रांति के द्वारा शोषण ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में एक राज्य बनना चाहिए जो बहुत पावरफुल हो, जैसे आप चाइना का राज्य मान सकते हैं। चाइना के अंदर सीधी सी बात है कि एक पार्टी है, मतलब राज्य बहुत शक्तिशाली है, आपको वोट देना है तो पार्टी के अंदर देना है। वहाँ पे ऐसे तो 6 पार्टियाँ हैं लेकिन उनका जो वाक्य है शुरू का वो यही है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति, मतलब जो है उसके सपोर्टिंग पार्टी के अंदर ही है और हमारा कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। वहाँ पर पार्टी के बीच में चुनाव होते हैं, पार्टी के अंदर चुनाव होते हैं लेकिन पार्टी एक ही है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि राज्य इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर हैव्स के पास, यानी कि जो शोषक वर्ग है, अगर उसको बिल्कुल ख़त्म करना है तो राज्य का बहुत मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो जो बड़ा वर्ग है वो अपने लिए संसाधन जुटा लेगा और कहीं विपरीत क्रांति ना कर दे। इससे बचने के लिए जो राज्य है वो बहुत मजबूत होना आवश्यक है। और फिर
लास्ट में समाजवाद आएगा, और समाजवाद के बाद में, मतलब जब समाजवाद आ जाएगा तो उसके बहुत बाद में राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मतलब राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब व्यक्ति आपस में एक साथ रह पाएंगे, उसे बोलेंगे साम्यवाद। अब साम्यवाद कभी दुनिया में आया ही नहीं, मतलब किसी भी देश के अंदर साम्यवाद आया ही नहीं, समाजवाद भले ही आ गया हो लेकिन साम्यवाद कभी नहीं आया। अगर आप इस बात को अगर गांधी जी से रिलेट करेंगे तो आपको सेम कुछ कुछ ऐसा लगेगा, गांधी जी भी कुछ ऐसे बातें करते थे। वो उनका मानना था कि एक समय बाद, मतलब राज्य पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और राज्य जो है सारी बुराइयों को ख़त्म कर देगा, उसके बाद में राम राज्य स्थापित हो जाएगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा, यानी कि सब बिल्कुल सुख शांति से रहेंगे, राज्य का कोई नामो निशान नहीं होगा और सब ऐसा कुछ पाप करेंगे नहीं कि किसी को सजा देने की आवश्यकता हो। तो इस रूप में गांधी जी जो हैं मार्क्स के बिल्कुल पैरेलल खड़े हुए मिलते हैं। अगर 2017 का, आई थिंक 2020 का पेपर अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये क्वेश्चन भी था कि गांधी और मार्क्स किस रूप में एक दूसरे के समांतर, किस रूप में एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन था कि उसके अंदर मार्क्स राज्य विहीन, कुछ ऐसा था राज्य विहीन समाज की स्थापना, तो राज्य विहीन समाज के अंदर दोनों की जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है कि एक समय बाद में राज्य विहीन समाज का निर्माण हो जाएगा जिसमें राज्य नहीं होगा। इस तरीके से मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, अगर आपको इसके बारे में और देखना हो, जैसे मार्क्सवाद है, मार्क्सवादी जो कवि होंगे वो कैसी लैंग्वेज लिखेंगे, बिल्कुल सपाट और सिंपल लिखेंगे, मतलब बिल्कुल सीधी लैंग्वेज लिखेंगे जो आम आदमी से जुड़ी हुई हो। उनके बीच में भाषाओं का जो भाषा विज्ञान के बारे में ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं होगी क्योंकि उनको आम पाठकों तक वो बातें अपनी पहुँचानी है, तो उनके अंदर भाषा, अलंकार, इनकी थोड़ी बिंब, इनकी थोड़ी जो चीज़ें कम होंगी और एक आम पाठक तक टच कर पाएँ, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे। समाजवाद जो मार्क्सवादी कवि होंगे, जो प्रगतिवादी कवि होंगे, वो शोषण के बारे में लिखेंगे, दलितों के बारे में लिखेंगे, जो समाज के अंदर गलत हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे, और अंत में उस चीज़ को प्रबलता से उठाएंगे जो चीज़ समाज के अंदर गलत हो रही है, यानी कि जो वंचितों के साथ गलत हो रहा है उसको प्रखर रूप में उठाएंगे। अब मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, अज्ञेय। अज्ञेय के बारे में तो बस बात ही अलग ही है, अज्ञेय का तो तेवर ही अलग है। अज्ञेय मतलब नाम से ही है कि जिसको ज्ञात नहीं हो, अज्ञेय। ये सब जो व्यक्ति थे उस समय जो है, एक सिगमंड फ्रॉयड नाम का एक व्यक्ति था जिसने मनोवैज्ञानिक के अंदर अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, और ये सब जो है वो इससे प्रभावित भी लगेंगे आपको कहीं कहीं। तीन व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं, एडलर है, फ्रॉयड है और यूंग है। तो कई जगह यूंग को यूंग, जुंग इस तरीके से पढ़ा जाता है क्योंकि जे उनके नाम के अंदर आता है, तो कई बार उनको जुंग और जुंग भी बोल दिया जाता है, वैसे आप यूंग याद रख सकते हैं। इनका बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत था लिबिडो, फ्रॉयड ने एक सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं लिबिडो, यानी कि काम चेतना। मनुष्य के जो सबसे प्रखर चेतना है वो है काम चेतना। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मरक्षा भी प्रमुख चेतना है, जबकि आत्मरक्षा जो है अगर प्रमुख चेतना होती तो फिर कुछ व्यक्ति जो है आत्महत्या क्यों करते हैं, या फिर माए अपना तिलक माए तिलक लगा के बच्चों को युद्ध में क्यों भेजती। अगर सबसे ज़रूरी चीज़, अगर सबसे ज़रूरी चीज़ देखा जाए कि अगर काम चेतना है तो उसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि ईडिपस एक सिद्धांत दिया, ईडिपस और इलेक्ट्रोपस। ईडिपस का मतलब है कि जो लड़का है उसकी सबसे पहला जो प्यार होता है वह माँ होती है। प्यार वो नहीं कि जैसे माँ बाप के बीच में, सॉरी, बेटे और माँ के बीच में जो प्यार होता है वो नहीं, जो रियल लाइफ में जो प्यार होता है उस प्यार की बात हो रही है। तो उसने बताया है कि ईडिपस के अंदर लड़का जो है माँ से ही, माँ का, माँ ही पे उसका पहला प्यार होती है। जो पुराने जो लोग हैं, जिसे हम पूर्वज के रूप में मानते हैं, या फिर आप मान सकते हैं रूढ़िवादी लोग, तो रूढ़िवादी जो लोग हैं उनके जैसे मन में ये बात आती है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार कैसा गंदा सिद्धांत दिया है, कोई लड़का अपनी माँ से कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन ये बात उन्होंने अपने जो थीसिस हैं उसके बाद में उन्होंने बताया, उसको बिल्कुल प्रूफ करके दिया है कि भाई ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये ईडिपस जो है, उनका जो नाम, जो ईडिपस उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया है, वो इस तरीके से फेमस है। पाश्चात्य संस्कृति के अंदर एक ईडिपस नाम का एक योद्धा था,
जो युद्ध के अंदर, जैसे पुराने जमाने के अंदर होता था कि किसी भी युद्ध के अंदर अगर कोई जीत जाता था तो वहाँ के लोगों को बिल्कुल रोनते हुए निकल जाते थे, और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ रेप करते थे और इस तरीके का दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें बंदी बना लेते थे और उनसे सारे काम करवाते थे, इस तरीके की वहाँ की मान्यता है। तो इडिपस नाम का जब व्यक्ति किसी सेना मतलब किसी युद्ध में जीत जाता है तो वहाँ पे जो है उनको सबको, उनकी जो सेना होती है वो आगे सबको रोनती हुई चल जाती है, और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत महिला उसको दिखती है और वो कहता है कि इसके साथ जो दैहिक संबंध है वो मैं ही बनाऊँगा। और उसके साथ दैहिक संबंध बनाने के बाद में उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ थी, और माँ के साथ दैहिक संबंध बना लिया है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा गिल्ट में भर जाता है कि अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो है ये कहानी वहाँ पर बहुत फेमस है, इसीलिए एडिपस का उन्होंने मतलब इसका नाम भी एडिपस रखा। कई लोग जो है पेट में गुदगुदी हो जाएगी कई लोगों की कि यार लड़का अपनी माँ से प्रेम करता है, और प्रेम भी इतना प्रखर रूप से कि उसके बाप अगर बीच बीच में आता है तो बाप से उसका रिश्ता नहीं बन पाता। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि लड़कों का अपने पिता से वो रिश्ता नहीं होता जो उनकी माँ से होता है, यानी माँ को वो हर दिल की बात बता सकते हैं या माँ से बिल्कुल हर बात कर सकते हैं, जबकि बाप का नाम आते ही उनके टेंशन हो जाती है थोड़ी बहुत। बाप से अगर बात भी करनी होगी तो इतनी सी बात होगी, हाँ कैसे हो, ठीक है, ओके, बस इतनी सी, इससे ज़्यादा की बात नहीं होगी। और इलेक्ट्रोपस, इलेक्ट्रोपस जो है लड़की और पिता के बीच में बताया गया है कि लड़की का जो पहला प्यार होता है वो उसका बाप होता है। जैसे आपके घर में आपने देखा भी होगा कि मान लीजिए अगर कोई लड़की ऐसे बोल दे कि भाई पापा एक्टिवा चाहिए, तो थोड़ी देर में पापा बोलेंगे बेटा हमारे घर की ये स्थिति नहीं है, इतने खर्चे हैं, ये है वो है, और फिर उसके बाद में दो मोटे मोटे आंसू गिरे और फिर बाप जो है बस पिघलता हुआ ऐसा हो जाएगा, अरे बेटा एक्टिवा क्या चीज़ है, मर्सिडीज दिला दूंगा तेरे को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कुछ दिनों के अंदर एक्टिवा दिख जाएगा। वहीं पे अगर पिता के सामने बेटा बोल दे बोले पापा ड्यूक चाहिए, तो ड्यूक तो बहुत बात की बात है, पहले तो उसके डुक पड़ेंगे और बहुत ढंग से पढ़ेंगे ताकि वो दोबारा ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल घर में ना ले सके। तो ये जो है ये सिगमंड फ्रॉयड ने बताया है, और उनकी जो है सबसे मेन चीज़ जो बताई है कि जो मनुष्य का जो सबसे मूल तत्व है वो है काम चेतना। इसको आगे डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया कि तीन तत्व होते हैं, एक होता है चेतन, अवचेतन और अचेतन, यानी कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। उस सिद्धांत को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बर्फ़ का पहाड़ है, बर्फ़ का जो पहाड़ होता है वो पानी के अंदर किस रूप में होता है, मतलब उसका जो है सिर्फ 10% हिस्सा ही, यानी कि इतना इतना हिस्सा ही दिखता है हमें, और बाकी का जो सारा हिस्सा रहता है वो पानी के अंदर रहता है। तो उन्होंने बताया कि जो ऊपर 10% हिस्सा दिख रहा है यही चेतन है, सिर्फ चेतन का मतलब होता है जो मनुष्य सबको बताता है, जैसे जो खुली आंखों से जब आप पूरे होश आवास में होते हैं तो जो आपका माइंड जो काम करता है उसे बोलते हैं चेतन मन। तो यहाँ पे क्या होता है कि चेतन की बात करी है उन्होंने कि जो चेतन मन है वो हमारा सिर्फ 10% ही है, और बाकी का जो है अचेतन और अवचेतन है, ये वाला जो हिस्सा है वो अवचेतन है और ये वाला जो हिस्सा है अचेतन है। इसको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ हैं और फैमिली के साथ आप कोई टूर पे हैं, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी को सुट्टा पीने की आदत है, सिगरेट पीने की बहुत भयंकर लत है, दारू पीने की बहुत लत है, और पापा मम्मी साथ चल रहे हैं, पूरा परिवार साथ है, तो अपने आप को रोकेंगे, हमेशा रोकेंगे, मतलब जब तक उनके साथ है हमेशा रोकेंगे कि बस थोड़ी देर और रुक जाऊँ, फिर चाहे 2 सिगरेट पी लूँगा, या फिर थोड़ी देर रुक जाऊँ पूरा क्वार्टर खींच लूँगा, पूरी बोतल खींच लूँगा, लेकिन वो उसको दबाने की कोशिश करेंगे और वो ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तो वो जो अपनी इच्छाओं को जो नीचे ले आएंगे, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में ले आएंगे, उसे बोलते हैं कि इच्छाओं को दबा लिया। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जैसे मान लीजिए फैमिली के साथ हैं और सिगरेट पीने की इच्छाएं नहीं पी पा रहे और दबा रहे हैं कि यार अभी नहीं, बस आधे घंटे और, फिर 1 घंटे और, बस पापा चल जाए या मम्मी चल जाए उसके बाद तो 3 सिगरेट एक साथ पी लूँगा, 5 सिगरेट एक साथ पी लूँगा, तो वो क्या है इच्छाओं को, यानी कि चेतन मन की जो इच्छाएँ हैं उनको दबा रहे हैं। अब जो चेतन मन की जो इच्छाएँ होती हैं वो दब के सब यानी कि अवचेतन के अंदर आ जाती है, सॉरी अवचेतन के अंदर आ जाती है, मतलब कि थोड़ी देर इच्छा रुक जाती है। अब जैसे मान लीजिए परिवार गया या परिवार थोड़ा इधर उधर हुआ और आप गए तुरंत एक सुट्टा मार लिया और आपकी जो है इच्छा पूरी हो गई, जैसे चेतन मन की जो इच्छा है जो आप अवचेतन के अंदर पहुँचा रहे थे, थोड़ी देर बाद में जब वो थोड़ी शांत हो गई, मतलब माहौल शांत हो गया और फिर आपकी इच्छा दोबारा जगी और आपने उसको पूरी कर ली, यानी कि जो चेतन मन है उसकी जो इच्छा है वो अवचेतन में चली गई, अवचेतन से फिर आपने उस इच्छा को पूरा कर लिया।
कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, या तो जिसे काम चेतनाएं भी मान सकते हैं या किसी भी रूप में मान सकते हैं, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो आप उनको और दबाएंगे, उनको दबाएंगे और इतना ज़्यादा दबाएंगे कि वो चीज़ें सीधा जो हैं आपके अचेतन के अंदर आ जाएगी, मतलब कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी वो बात, वो आपके अचेतन मन में आ गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चौकीदार बैठा होता है, जिसके अंदर सिगमंड फ्रॉयड ने भी उसको चौकीदार का नाम दिया है, द गेट कीपर नाम से है। तो ये यहाँ पे चौकीदार होता है और वो ये हमेशा कोशिश करता है कि अचेतन की जो चीज़ें हैं ये ऊपर ना जा पाएँ, यानी कि अचेतन की जो बातें हैं ये टॉप फ्लोर पे, यानी कि चेतन में और सब सब कॉन्शियस माइंड में या अवचेतन में ना पहुंच पाएँ, ये उन्हें रोकने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। जब इस तरीके की कोई बात जो हमारे अवचेतन मन में, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन की जो कुछ बातें हैं वो हमारे अवचेतन के अंदर आ जाती हैं, जो सपनों के रूप में आती है। तो बहुत गहरी नींद के अंदर ये कहा जा सकता है कि जो अवचेतन की जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और हमें सपने के रूप में दिखाई देती हैं। तो आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको और थोड़ा विस्तार में समझा दूंगा ताकि आपके एकदम क्लियर और समझ में आ जाए। अब यहाँ के जो व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिकवादी जो व्यक्ति हैं, अब वो कैसे लिखेंगे? जैसे आप प्रेमचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो प्रेमचंद जो है मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका जो मनोविज्ञान था वो एकेडमिक लेवल का नहीं था, सामान्य मनोविज्ञान था जिसको सामान्य व्यक्ति समझ सकता हो। यहाँ पर जो मनोविश्लेषणवादी जो करते हैं वो एकेडमिक लेवल पर करते हैं, एकेडमिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एकेडमिक लेवल के अंदर मनुष्य के मन में क्या क्या द्वंद उठते हैं उसके बारे में वो अच्छी तरह विश्लेषण करते हैं। तो अब ये जो संवेदना होगी इनकी, तो ये मार्क्सवादियों से बिल्कुल विपरीत होगी। मार्क्सवादी क्या है, जगत से बाहर की बातें लिखेंगे कि शोषण हो रहा है, बाहर हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, इसके बारे में लिखेंगे। और यहाँ पे जो संवेदना होगी, जो मनोविश्लेषणवादी होंगे, वो अंतर जगत से बात करेंगे, अनुभूतियों की बात करेंगे, भावनाओं की बात करेंगे, विचार की बात करेंगे, इन सब चीज़ों के जो उनके मन में द्वंद्व उठ रहे हैं उनकी बात करेंगे। मतलब इनका जो होगा पूरा आंतरिक मामला होगा और ये बाहर का मामला होगा, ये पूरा बाह्य जगत की बात करेंगे ये मार्क्सवादी और ये अंतर जगत की बात करेंगे। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में दिखाई देता है। अब अवचेतन अचेतन के साथ जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं जो मनुष्य के द्वंद कैसे कैसे होते हैं उनको प्रखर रूप में उठाने का प्रयास करेंगे। जबकि शोषण कैसे होता है, शोषण किस रूप में होता है, किस तरीके से बताया जाता है, समाज के किस तबके का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, इसके जो प्रगतिवादी हैं उनके जो मुख्य तौर पर यही बात रहेगी कि शोषण किस रूप में हो रहा है, किसका हो रहा है, कितना हो रहा है। आसान भाषा के अंदर ये लोगों को जागरूक करने की बातें करेंगे। जबकि जो मनोविश्लेषणवादी हैं उनका सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि भाई मन में द्वंद्व कैसे आ रहे हैं, भावनाओं के रूप में किस तरीके से व्यक्ति समझाना चाह रहा है या किस तरीके की भावनाएं हैं, विचार कैसे आ रहे हैं, उन विचारों का औचित्य क्या है, इस रूप में जब वो बताना चाहेंगे तो उसे बोलेंगे हम संवेदना, मनोवैज्ञानिक संवेदना। इनकी जो भाषा होगी यानी कि इनकी जो शैली होगी वो होगी, शिल्प की जब बात करेंगे तो घटनाएं कम होंगी, विश्लेषण चिंतन मनन ये ज़्यादा होगा कि कोई घटना घटी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक खूबसूरत लड़की है, मतलब मेकअप लगा के खूबसूरत है, आप ये मान लीजिए कि वो मेकअप करके बाहर निकलती है और आपका दिल ऐसे गदगद हो जाता है उसको देख के कि बस पूछो मत, और आप जाके उसकी भरपूर तारीफें कर देते हैं, बस पूछो मत कि इतनी तारीफ है कि वो बस बेहोश होकर गिरने वाली होती है और आप बस वहाँ तक पहुँचा देते हो उसको। मान लीजिए कि रोज़ आप इतनी तारीफ करते हैं और वो पागल है आपकी तारीफ सुनने के लिए, बस तैयार ही आपके लिए होती है कि बस वो तारीफ कर दे तो सफल हो जाएगा ये पूरा कार्यक्रम। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन मान लीजिए वो बिना मेकअप के बाहर निकल गई और आपने देखा और आपने कह दिया कि बोले आज वो बात नहीं आ रही जो रोज़ आती है, बस फिर तो क्या है कि अब मान लीजिए वो जो लड़की जिसकी आप रोज़ इतनी भर भर के तारीफ करते हो और आपने आज कह दिया कि भाई आज वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए, फिर क्या होगा? फिर ये एक दो मिनट की बात होगी कि उसको टेंशन आएगी या फिर ये लंबा कार्यक्रम चलेगा, मतलब एक दो दिन तक वो इतने डिप्रेशन में रहेगी कि हाय राम जी क्या बोल दिया, ये कैसे क्या हो गया, मैं बिना मेकअप के बाहर ही क्यों निकली, मेरे साथ ये होना ही क्यों था, उसका बाहर आना इस समय क्यों था,
वो बाहर आया ही क्यों, या मैं बाहर निकली क्यों, बस ये चीज़ चलेगी और एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि 2-4 दिन तो उसको सदमे से बाहर आने में लग जाएंगे। ये जो है कि एक घटना घटी कि आपने सिर्फ बुराई कर दी, और उसका जो विश्लेषण है या मनन है या चिंतन है वो इतना ज़्यादा गहरा है कि बस उसी के इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं। प्रतीकात्मक भाषा होगी, प्रतीकों में बात होगी, जैसे कि आजकल के बी एफ जी एफ जो है प्रतीकों में भाषा बात करते हैं, कि भाई दोनों का जो है अपना अपना ईगो है, और ईगो भी कम नहीं करना और प्यार को भी आगे बढ़ाना है। तो सीधा सा जैसे जी एफ जो है या बी एफ जो है 3 डॉट भेजेगा, भाई 3 डॉट भेजती है कि क्या करना है, तो जो जी एफ है बी एफ है वो भी 3 डॉट भेज देगी, नथिंग। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई आगे का क्या प्लान है, बोले ठीक है आप कोई भी जो फेमस जगह हो वहाँ का नाम लिख देगी जी टी, मतलब शाम को बस जी टी पे मिल जाना, टाइम लिख देगी 5 GT। मतलब वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई बात भी रखनी है और ईगो भी इतना ज़्यादा है कि आपको बात भी नहीं करनी, तो बस जो है बिंबो के अंदर बात हो रही है, सामने वाला समझ गया। जैसे मान लीजिए कि आप कभी कक्षा में बैठे हैं क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर बैठे बैठे आपका सुट्टा पीने की बहुत ज़्यादा मन में आ रही है। अब सुट्टा पीने की मन में आ रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे आपका दोस्त बैठा है, बीच में 5-6 लोग बैठे हैं। अब आप चिल्ला के कह भी नहीं सकते कि भाई सुट्टा पीने चल रहा है क्या, इज्जत की बात है, थोड़ी सी सब आपको देखने लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इशारों इशारों के अंदर बस यूँ करेंगे यूँ, और सामने वाले ने समझा, और दोनों के दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी भयंकर है कि दोनों के दोनों उठे, क्लास से बाहर चले गए और सुट्टा पीना स्टार्ट कर दिया, वापस क्लास के अंदर आ गए। तो ये जो है बिंबो की बात है, यानी कि जो प्रतीकात्मक भाषा है कि प्रतीकों के माध्यम से पूरी बात समझा देंगे। तो इस तरीके से जो है मनोवैज्ञानिक और प्रगतिवादियों का हमने विश्लेषण करा कि ये किस रूप में लिखेंगे। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मनोवैज्ञानिकों के बारे में या फिर प्रगतिवादियों के बारे में, तो आप इतना तो लिख पाएंगे कि आपका काम चल जाए। ज़्यादा डिटेल के अंदर हमें नहीं जाना, लेकिन इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।